हरियाणा में बढ़ते नशे को रोकने के लिए पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। पुलिस अभियान के बाद नशा तस्कर बौखला गए हैं। नशा तस्कर अब पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। इस बार ताजा मामला टुहाना का है, जहां नशा तस्करी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गई CIA पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने दो लोगों को काबू किया था। पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी फरार हो गया। इस दौरान पुलिस और नशा तस्करों के बीच खूब हाथापाई हुई। मारपीट में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कल शाम को हमारी CIA टोहाना की टीम ओम प्रकाश ASI के नेतृत्व में जाखल में जो बाजीगर बस्ती है वहाँ पे मौजूद थी, तो उसी समय जो है उनको सूचना मिली कि कोई NDPS का जो है वहाँ पे तो व्यक्ति जो है वो आदान प्रदान कर रहा है। जो सूचना पर हमारी टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ा था, लेकिन इसी दौरान जब बाजीगर बस्ती के कुछ लोग और लेडीज़ औरतें बच्चे जो है वो वहाँ आ गए और उन्होंने एक अपराधी को जो है वो पुलिस से छुड़वा लिया। जो इसमें जो है हमारे पुलिस के 3 कर्मियों को जो है वो चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल करवाए गए हैं। उसके बाद जो व्यक्ति था जिसको काबू किया गया था, उससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई, तो उससे जो है वो 990 गोली जो है ट्रामाडोल की जो है नशीली गोलियां जो है वो बरामद हुई है, और उनका कुल वजन जो है वो 480 ग्राम जो है बड़ा है। तो ये उनसे बरामदगी है। जो एक दोषी था हरजीत नाम का, उसको उन्होंने छुड़वा लिया है, और हमने जो है इसमें NDPS में और जो नियम अनुसार उचित धाराएं थी उनमें अभियोग अंकित किया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। तो कोई पुलिसकर्मी घायल हुए या 3 पुलिसकर्मी जो है उनको चोटें आई हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है और अभी जो है वो खतरे से बाहर है। तो कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है सर? इसमें 8 बाई नेम हैं और 10-12 अन्य हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किया गया? NDPS में किया है, और जो पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालना मारपीट करना जो है उसमें नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई की। पुलिस की अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है? नहीं, पुलिस की अन्य संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारा जो एक मुलजम जो पुलिस ने पकड़ा था उसको छुड़वाया उन्होंने। आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमारी CIA टीम और थाना जाखल की टीम जो है वो लगातार रेड कर रही है, और जल्द ही अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होगा। दरअसल जब CIA टुहाना टीम जाखल में गश्त कर रही थी तो उनके पास दो लोगों के नशा तस्करी करने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को काबू कर लिया। जाखल की बाजगीर बस्ती के लोग पुलिस की टीम से मारपीट करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आरोपी हरदीप को काबू कर लिया, जिसके बाद उसके कब्जे से 900 नशे की गोलियां बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी को छुड़ा ले जाने वाले 8 नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। शीघ्र उन्हें काबू कर लिया जाएगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी TV।